आपका दोस्त नीरव शाह, हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट, पर्सनल कोच, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जो है अनबॉक्सिंग करने वाले एक स्मार्टफोन का, जो कि मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया था। तो ये हमारे पास है दोस्तों रियलमी एक्स। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में और देखेंगे क्या ये मोबाइल लेना वैल्यू फॉर मनी डील है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये हमारा स्मार्टफोन रियलमी एक्स, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाइस, हमने बॉक्स को ओपन कर दिया। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, इसे मैं साइड पे रख देता हूँ। और ये हमारे पास इसका बिल। तो देखेंगे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरे फ्रेंड ने मंगाया प्रथम ने। और ये यहाँ पे दोस्तों इसकी एमआरपी मेंशन है 19,262। ये जो है दोस्तों, हमने HDFC कार्ड के ऊपर इसे बुक किया था, तो यहाँ पे हमें जो है कुछ 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। इसकी जो एक्चुअल एमआरपी है दोस्तों 8 GB रैम 128 की, इसकी एक्चुअल एमआरपी 20,000 है। और 4 GB रैम और 128 GB की एमआरपी इसकी है 17,000 रुपीज़। तो ओके है दोस्तों, अच्छा एक मैं कहूँगा स्मार्टफोन है। अगर आप रेडमी K20 से कंपेयर करो तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको प्रीमियम फीचर इसमें आपको देखने मिल जाता है, जो कि आपको रेडमी K20 में तो देखने मिलते हैं, इसमें भी आपको फीचर्स देखने मिल जाते हैं। रेडमी K20 की बात करूँ गाइस, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर थोड़े कॉम्प्रोमाइज किए गए, लेकिन ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। तो चलिए दोस्तों, इस बबल रैप को यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये हम इसे साइड पे रखेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके के यहाँ पे दिखता है रियलमी एक्स पॉपअप जनरेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कुछ प्राइस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया, वो भी हम चेक करेंगे क्या है। गाइस, यहाँ पे एमआरपी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्लियर 20,999 की इसकी प्राइसिंग है, लेकिन एक्चुअल एमआरपी इसकी दोस्तों 20,000 यानी कि 21,000 की एमआरपी है। यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिकेशन मेंशन है 48 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा, और फ्रंट में जो है दोस्तों 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है, जो कि जुलाई 2019 की, जो कि लेटेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग को हम शुरू करते हैं। ये मैं इसे यहां से निकाल देता हूं। और ये हमने बॉक्स को फाइनली ओपन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका लेड दिया गया है। लेड को हम निकालेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, और रियलमी का यहाँ पे लोगो। अंदर देखेंगे और क्या है यहाँ पे, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ रहेगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो है उन्होंने सिम ट्रे इजेक्टर दिया, जो कि बेसिकली सबके साथ हमें देखने मिलता है। और ये है उसका बुकलेट, यूजर गाइड वगैरह यहाँ पे कुछ दिया गया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों बेसिक सी, जो कि हमें सभी स्मार्टफोन में देखने मिलती है। और फिर यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, ये जो है यहाँ पे क्विक गाइड यहाँ पे दिया गया है, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं दोस्तों, इसको भी हम साइड पे रखेंगे। और ये जो है सिम टूल इजेक्टर हमें मिलता है, इसे भी हम साइड पे यहाँ पे रख देंगे। तो ये है, और यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है केस। अब केस की क्वालिटी देखेंगे, केस की क्वालिटी काफी सही है दोस्तों। ये जो है दोस्तों सिलिकन केस नहीं है, टफ एकदम हार्ड केस है गाइस। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप इसे स्मार्टफोन के साथ यूज करेंगे काफी बढ़िया रहेगा। इसका जो ग्रिप भी है दोस्तों साइड में, ये जो दोस्तों रबराइज मटेरियल यहाँ पे यूज किया, और पीछे जो दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा केस यहाँ पे रियलमी ने प्रोवाइड किया है, और हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन। तो चलिए स्मार्टफोन को यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं स्मार्टफोन की ओर। और ये रहा स्मार्टफोन गाइस। मेरे पास जो यहाँ पे जो कलर अवेलेबल है वो है स्पेस ब्लू कलर। इसमें आपको एक मिरर व्हाइट कलर भी देखने मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लुक के साथ आपको देखने मिलता है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो ये मैंने इसे यहाँ पे निकाल दिया। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है
ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कैमरे की बात कर तो ये जो है 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, ये जो है 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पे जो है आपको फ्लैश लाइट मिलती है और ये कलर देखेंगे दोस्तों काफी बढ़िया कलर यहाँ पे आपको देखने मिलता है, स्पेस ब्लू कलर दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके ऊपर अगर लाइट दोस्तों पड़ती है तो इसकी शेड जो है दोस्तों आपको ड्यूअल टोन कलर में देखने मिलती है। ऊपर का पार्टीशन दोस्तों पर्पल है और नीचे का पार्टीशन ब्लू है। रियर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। ये है दोस्तों सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। यहाँ पे आपको पावर बटन दिया जो कि गोल्डन कलर में यहाँ पे उसे दिया गया दोस्तों, उसका शेडिंग जो है। और यहाँ पे दोस्तों आपको सिम टूल इजेक्टर मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज मिल जाती है दोस्तों, काफी अच्छा है। और यहाँ पे सिम टूल अगर यहाँ पे मैं दोस्तों वॉल्यूम रॉकिंग कीज की बात करूँ काफी बढ़िया यहाँ पे उन्होंने इस बार दिया है। बम जो है दोस्तों अंदर की साइड दबा हुआ है तो इससे जो है ग्रिप काफी आपको अच्छी देखने मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करेंगे। ओके रियलमी पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो चलिए दोस्तों इसको साइड पे रखेंगे और बॉक्स के कंटेंट भी देख लेंगे बॉक्स में और हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रियलमी यानी कि रियलमी की जो खासियत है दोस्तों वो है ये दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर। ये जो दोस्तों जो है ये एडेप्टर जो है काफी फास्ट आपके सेलफोन को चार्ज करता है, 20 वॉट का ये पावर एडेप्टर है दोस्तों। ये जो है दोस्तों मुझे काफी रियलमी की बढ़िया चीज लगती है। सेम जो है दोस्तों रियलमी ने रियलमी 3 प्रो में भी बुक चार्जिंग दिया था, मेरे हिसाब से काफी अच्छा ये है। ये दोस्तों मैं कहूं अगर क्वालकॉम के जो चार्जर आते हैं 4.0 या 3.0 उससे ये काफी फास्ट चार्ज करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके रियलमी डिवाइस को चार्ज कर देगा 1 आवर 14 मिनट्स में, जो कि काफी अच्छी बात है। इसको यहाँ पे मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हम इस बार जो यूएसबी केबल दिया गया है वो कौन सा है, टाइप सी है या कौन सा है चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से प्रीमियम सेगमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको टाइप सी ही मिलना चाहिए। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है जो कि प्लस पॉइंट है, ये आपके सेलफोन को और फास्ट चार्ज कर देगा। तो गाइज यहाँ पे सभी चीज को साइड पे रखते हैं और देखेंगे हमारे स्मार्टफोन की ओर। तो ये मैं बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके देखेंगे हमारे स्मार्टफोन की तरफ। बेसिकली दोस्तों ये जो है एक अमोलेड डिस्प्ले है, यानी कि यहाँ पे आपका यूजर इंटरफेस जो है काफी अच्छा होने वाला है। अगर एलसीडी पैनल और यूजर सुपर अमोलेड डिस्प्ले की बात करो दोस्तों ये जो है काफी बैटरी एफिशिएंट माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिलेगा। बैटरी की बात करो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है 3765 mAh की बैटरी। हालांकि बैटरी थोड़ी कम है लेकिन कम नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले दिया गया है वो इसका हाईलाइट है। ये सुपर अमोलेड डिस्प्ले है जो कि सैमसंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और सुपर अमोलेड डिस्प्ले जो रहते हैं दोस्तों वो जो है आपकी बैटरी को यहाँ पे काफी हद तक जो है यहाँ पे वो बचाते हैं, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे गाइस सॉफ्टवेयर की बात करो तो ये जो है कलर OS 6 के ऊपर ये आता है, जो कि रियलमी की अपनी एक OS है और बहुत जल्द जो है रियलमी यहाँ पे अपना OS भी लाने वाला है। और वहीं इसमें एंड्रॉइड की बात करो तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट मिलता है जो ये काफी बढ़िया है। तो ये मैंने सेटअप यहाँ पे कर लिया है। ओके तो स्क्रीन जो है शुरू हो गई है। यहाँ पे दोस्तों पूरा एक्सपीरियंस रियलमी 3 प्रो की तरह है, वॉलपेपर का हो या टच का हो दोस्तों, स्वाइप्स वगैरह काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे काफी सेलफोन अच्छा लगा है। इसका जो है दोस्तों हाईलाइट यहाँ पे कैमरा है, तो हम कैमरे की ओर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसके कैमरे को ऑन किया है। ओके दोस्तों ये जो है कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 48.5 मेगापिक्सल का। तो देखेंगे दोस्तों किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये बुक चार्जर को सामने रख देता हूँ और चेक करते हैं, और ये एक मैं फोटो यहाँ पे खींच लेता हूँ। ओके यस ये मैंने मैक्रो शॉट दोस्तों यहाँ पे एक लिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कैमरे की क्वालिटी काफी बढ़िया यहाँ पे निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ये बनता है। 48 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है वाकई काफी बढ़िया काम करा है। अब हम चेक करेंगे फ्रंट कैमरा की, क्योंकि इसकी सेल्फी जो है वो 16 मेगापिक्सल की और वो जो है पॉपअप कैमरे के साथ यहाँ पे बाहर आती है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, और ये मैंने पॉपअप ये देखिए दोस्तों ये पॉपअप कैमरा जो इसका यहाँ पे बाहर आ गया। अब हम चेक करेंगे सेल्फी इसकी कैसी आती है। तो गाइस ये मैंने अभी रिसेंट एक सेल्फी यहाँ पे खींची हुई है, देखेंगे दोस्तों सेल्फी भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे डिटेलिंग्स जो है दोस्तों काफी मुझे अच्छी लगी है। अगर आप देखेंगे मेरे माउस स्विच की ओर तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिटेलिंग देखने मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया है। तो इसका रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा वाकई ही बेहतरीन है, मैं तो कहूंगा ये प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा है। और इसका जो दोस्तों पॉपअप कैमरा वो काफी फास्ट यहाँ पे काम करता है। ये देखिए ये मैंने बंद कर दिया तो वो अंदर चला गया, ये देखिए ये ऊपर आ गया।
मतलब काफी बढ़िया पॉपअप कैमरा, ये देख सकते हैं आप, काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं इस पॉपअप कैमरा की दोस्तों, ये जो है Redmi के K20 और K20 Pro से भी काफी फास्ट मूवमेंट यहाँ पे करता है, तो मेरे हिसाब से काफी ये अच्छा यहाँ पे बनता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है दोस्तों, बैटरी काफी ये यूज करेगा, लेकिन एक प्रीमियमनेस जो है आपको ये स्मार्टफोन में देखने मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम सेटिंग्स में चेक करेंगे यहाँ पे स्टोरेज वगैरह जो है वो किस तरीके से यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करेंगे, कोई अपडेट यहाँ पे आया हुआ रहेगा। ओके तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है जो कि 199 MB का है, तो इसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। मैंने जो इसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो फटाफट ये हो जाएगा। अब हम इसे बंद करेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे और क्या है सेटिंग्स में। ओके 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 अबाउट फोन में दोस्तों हम जानेंगे। तो देख जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर रैम जो है 8 GB की हमें रैम मिलती है और डिवाइस स्टोरेज 120 GB का है, लेकिन अवेलेबल 105 GB है, मतलब बाकी का जो स्टोरेज है वो सिस्टम यहाँ पे खा जाती है। सिक्योरिटी पैच की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है जून का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, जो कि काफी अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों जो है यहाँ पे अगस्त चल रहा है, आई थिंक सो एक वीक के अंदर यहाँ पे अगस्त का भी सिक्योरिटी पैच हमें मिल जाना चाहिए, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो ये इसका हाईलाइट है, ये है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 ऑक्टाकोर चिपसेट, काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 10 नैनोमीटर बेस की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे वही बात करूं इसके कंपटीटर की, तो वो आता है वीवो Z1 Pro, जो कि आपको मिल जाएगा 17,990 में, 6 GB रैम और आपको 64 GB का और 120 GB का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट देखने मिल जाएगा इस प्राइस सेगमेंट में। उसका जो प्रोसेसर है दोस्तों इससे काफी बेटर है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँ आपको डे टू डे यूजेज में कोई यहाँ पे इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले दिया गया है उसका हाईलाइट है, जो कि सुपर अमोलेड स्क्रीन है। तो दोस्तों आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है दोस्तों काफी यहाँ पे बढ़िया हो जाता है सुपर एमोलेड पैनल के साथ। तो वहीं दोस्तों मुझे स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा है, मैं इसे यूज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कंसिडर करने लायक है कि नहीं। फिलहाल इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, इसका जो टच है स्वाइप से मुझे काफी अच्छा लगा है दोस्तों। तो अगर आपका बजट दोस्तों 20,000 के आसपास है, तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं, ये आपको तकरीबन एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। और वहीं दोस्तों बात करूं खासियत की, तो आपको जो है इसके साथ ये मिलता है, ये जो है दोस्तों वैल्यू फॉर मनी इसे बनाता है, ये वोक चार्जिंग दोस्तों मानना पड़ेगा, ये वर्ल्ड का जो है बेहतरीन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में से एक चार्जर है वोक चार्जर, तो आप इसके ऊपर रिलायबल रह सकते हैं। आपके स्मार्टफोन को 1 hour 14 minutes में 0 to 100% कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं इस वोक चार्जर की मदद से, जो कि 20 W का एक फास्ट चार्जर है। तो यहाँ पे दोस्तों 20,000 में एक वैल्यू फॉर मनी डील है, अगर आपको कंसिडर करना है तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, मेरी तरफ से रियलमी को यहाँ पे थम्सअप है। वहीं दोस्तों यहाँ पे K20 की बात करूं, जो कि इसका कंपीटिटर है, उसमें जो है दोस्तों आपको प्रीमियमनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पे फ्रंट और बैक जो है गोरिला ग्लास है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में गोरिला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन है, लेकिन बैक में जो दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ये स्मार्टफोन को यूज करते, तो आप जो है इसके केस के साथ इसे यूज कीजिए, ताकि ये जो है यहाँ पे स्क्रेचेस ना, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रेच लगने के आसार काफी ज्यादा है। अच्छा करता हूँ गाइस, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे वीडियोस अनबॉक्सिंग्स लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।